हेलो फ्रेंड्स, मॉर्फी रिचर्ड्स आइकॉन सुपर फूड प्रोसेसर की पावरफुल 1000 वाट मोटर है। 2 इयर्स प्रोडक्ट वारंटी है और इसमें 16 टाइप के फंक्शंस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा है मॉर्फी रिचर्ड्स आइकॉन सुपर फूड प्रोसेसर का अनबॉक्सिंग। उसमें हमने सभी पार्ट्स को देखा था और ये वीडियो में हम उसके फंक्शंस डेमो के साथ देखेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं चैनल पिंच ऑफ स्पाइसेस और इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये फूड प्रोसेसर की मदद से हम स्लाइसिंग, श्रेडिंग, फिंगर चिप्स, चॉपिंग, नीडिंग और भी फंक्शंस करेंगे। ये मेन मशीन है, कॉम्पैक्ट है, छोटी सी जगह में आ जाती है, दिखने में भी सुंदर है। इसके नीचे स्टैंड है और ये रबर के है। एयर प्रेशर से प्रेस होकर प्लेटफॉर्म पर आसानी से स्टिक हो जाती है और स्टेबल रहती है। मशीन पर स्पीड सिलेक्टर नॉब दिया है, 1, 2, 3 तक स्पीड सिलेक्ट कर सकते हैं और पल्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। होता है ना, कभी कभी हमें पेस्ट या पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए तो तब हम पल्स ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इन सब की प्रोसेसिंग हम देखते हैं। ये बड़ा सा 3.2 लीटर का ट्रांसपेरेंट फूड प्रोसेसिंग बाउल है और इसका ऑपरेटिंग वॉल्यूम 2 लीटर है। ये हम प्लेस करेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमा के अलाइन करेंगे। एक क्लिक आवाज आएगी, मींस अच्छे से लॉक हो गया है। इसमें स्पिंडल प्लेस करेंगे, फिर उसके ऊपर ही कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हैं। हम चॉपिंग करेंगे तो चॉपिंग ब्लेड लगाइए। बाउल लिड क्लॉकवाइज घुमाकर फीडर ट्यूब और हैंडल अलाइन करना है और क्लिक आवाज़ आएगी, मींस प्रॉपरली प्लेस हुआ है। जब तक बाउल और लिड प्रॉपरली लॉक नहीं होंगे तब तक मशीन ऑन नहीं होगी। तो ये इसका फीचर बहुत ही अच्छा है। हम प्याज को चॉप कर रहे हैं तो प्याज फीडर ट्यूब में डालेंगे और पुशर इंसर्ट करेंगे और 1 या 2 स्पीड पर 10 से 15 सेकंड के लिए घुमाएंगे। लीड ओपन करेंगे, बाउल को अनलॉक करेंगे। और ये काम बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में हो गया है। प्याज अच्छे से चॉप हो गई है। चॉपिंग ब्लेड और स्पिंडल निकाल लेंगे, चॉप्ड प्याज को निकालेंगे। आप देख सकते हैं प्याज कितने अच्छे से चॉप हो गई है। ऐसे ही अभी हम शिमला मिर्च चॉप करेंगे। शिमला मिर्च भी बहुत अच्छे से चॉप हो गई है। ये स्लाइसिंग प्लेट है और इसमें 7 स्टेप स्लाइसिंग कर सकते हैं। मींस पतला या मोटा जैसे भी स्लाइस करना है वैसे ब्लेड को एडजस्ट करके कर सकते हैं। प्लेट के पीछे नॉब दिया है, वो नॉब घुमाकर ब्लेड को एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से 7 अलग अलग टाइप के स्लाइस कर सकते हैं। हम यहाँ खीरा की स्लाइसिंग कर रहे हैं। पुशर से प्रेस करते हुए स्पीड 1 पर ही रखना है और कुछ ही सेकंड में स्लाइसिंग हो गई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्लाइसिंग हो गई है। आसानी से कम समय में इस तरह गाजर, मूली स्लाइस करके सैलेड बना सकते हैं। अभी हम फ्रेंच फ्राइज ट्राई करते हैं। फ्रेंच फ्राइज ब्लेड स्पिंडल के ऊपर लगाएंगे, लीड लगाकर आलू को फीडर ट्यूब में रखकर पुशर से प्रेस करेंगे, स्पीड 1 पर ही रखेंगे।
और कुछ ही सेकंडों में फ्रेंच फ्राइज स्लाइसेस हमें मिल गई हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से स्लाइस हुए हैं, तो बच्चों के लिए आसानी से फ्रेंच फ्राइज घर पर ही बना सकते हैं। गाजर को कद्दूकस करने के लिए हम श्रेडिंग प्लेट का यूज़ करेंगे। ये श्रेडिंग प्लेट दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। इस पर एक साइड से मोटा मोटा कद्दूकस कर सकते हैं और एक साइड से पतला कद्दूकस कर सकते हैं। फीडर ट्यूब में गाजर रखकर स्पीड एक पर घुमाएंगे और कुछ ही सेकंडों में श्रेडेड गाजर हमें मिल जाएगी। हलवा बनाने के लिए अब आसानी से सेकंडों में ही गाजर कद्दूकस हो जाएगी। ऐसे ही सैलेड बनाने के लिए या पराठे बनाने के लिए मूली बीटरूट भी श्रेड कर सकते हैं। इसमें थोड़े गाजर के टुकड़े रह गए हैं, वो हम अलग करेंगे। बहुत ही अच्छे से गाजर श्रेड हो गई है, एकदम एक जैसे आकार की श्रेड हुई है। अभी हम मौसम्बी का जूस निकालेंगे। इसके लिए ये सिट्रस फिल्टर दिया है। इसे हम बाउल के सेंटर में स्पिंडल के ऊपर लगाएंगे और टर्न करके लॉक करेंगे। सिट्रस कोन को सेंटर में प्लेस करेंगे। और फिर मौसम्बी को हाफ कट करके कोन पर इस तरह पकड़ कर रखेंगे और स्पीड एक पर ही घुमाएंगे। सीड्स और पल्प सिट्रस फिल्टर पर जमा हो गए हैं और इस तरह मौसम्बी का टेस्टी एंड हेल्दी जूस मिल जाएगा। और ये बाउल आसानी से साफ भी कर सकते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल जूसर है और इससे बीटरूट कुकम्बर एप्पल पाइनएप्पल कैरेट जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूस निकाल सकते हैं। सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल जूसर में ही स्पिंडल नहीं लगता है। ये इसका अलग से लीड दिया है, इसका फीडर ट्यूब इनसाइड है और ये अलग पुशर भी दिया है। सेंट्रीफ्यूगल जूसर लीड क्लॉकवाइज रोटेट करके फीडर ट्यूब और हैंडल अलाइन करना है और लॉक करना है। हम अनार का जूस निकाल रहे हैं। अनार के दाने फीडर ट्यूब से डालेंगे और पुशर से प्रेस करेंगे। स्पीड एक या दो या तीन पर घुमा सकते हैं। ये जूस बाउल में कलेक्ट हो रहा है। ये सारा पल्प वेस्ट मटेरियल सेंट्रीफ्यूगल जूसर में ही कलेक्ट होगा। ये दो अनार का जूस है। ये हेल्दी अनार का जूस ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अभी हम आटा नीडिंग कर रहे हैं। स्पिंडल प्लेस करेंगे, उस पर ये नीडिंग ब्लेड रखेंगे। एक कप आटा डालेंगे, एक टीस्पून तेल डालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे और लीड लगाकर स्पीड एक या दो पर घुमाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे।
ड फॉर्म में आने तक और आटा गूंथते हैं, वैसे लंप फॉर्म में आने के बाद मशीन को ऑफ करेंगे। इसे 45 टू 60 सेकंड तक घुमाएंगे अपने अनुसार कंसिस्टेंसी आने तक। इसमें मैक्सिमम 350 ग्राम आटा गूंथ सकते हैं। इसमें मैदा या पराठे के लिए आटा भी गूंथ सकते हैं। आटा बहुत ही अच्छे से नीड हुआ है, आप देख सकते हैं। ध्यान इसी बात का रखना है कि पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है। अभी तक हम प्रोसेसिंग बाउल में करने वाले फंक्शंस देख रहे थे, अभी हम तीन जार दिए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो ये चटनी जार है, ये 0.5 लीटर का चटनी जार है, अच्छे क्वांटिटी इसमें आती है। तो दो हरी मिर्च ली है, हरा धनिया, तीन से चार कलियां लहसुन की, जीरा, दही, नमक और थोड़ा सा पानी डालकर लीड को प्रेस करके लगाएंगे। जार को क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लिक आवाज आएगी, मींस लॉक हो गया है। स्पीड 1 से 3 तक धीरे धीरे घुमाएंगे। हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे मिलने तक घुमाएंगे। आप देख सकते हैं चटनी अच्छे से पिस गई है। ये ड्राई या वेट ग्राइंडिंग जार है, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है। इसमें मैक्सिमम 0.5 लीटर के इंग्रेडिएंट ग्राइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें साबुत धनिया ग्राइंड करके देखते हैं। इसमें अलग अलग स्पाइसेस ग्राइंड कर सकते हैं और इसमें ग्राउंड नट, रेड कोकोनट चटनी, टोमेटो प्यूरी, इडली, डोसा बैटर बना सकते हैं। ये भी अच्छे से ग्राइंड हो गया है, फाइन पाउडर हो गया है। ये लिक्विडाइजिंग जार है, इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर की है और इसमें 50-70% इंग्रेडिएंट्स डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। अभी हम कोको मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं। 1 कप चिल्ड मिल्क, 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डालकर लीड लगाएंगे। लीड पर लीड कैप है, वो भी प्लेस करेंगे। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऊपर से डालना है तो लीड कैप निकालकर उसमें से डाल सकते हैं। स्पीड 1-3 तक ग्रेजुअली घुमा सकते हैं। और ये टेम्पटिंग शेक तैयार है। मुझे इसके सभी फंक्शंस अच्छे लगे हैं एंड वर्थ टू बाइट। तो ये था मॉर्फी रिचर्ड्स सुपर्ब फूड प्रोसेसर का कंप्लीट डेमो। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स और एनी क्वेरी राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।